ये नहीं पता कि जब हम रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, और अगर उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कम करना हो या ज्यादा करना हो तो क्या करना चाहिए। मतलब मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकालेंगे, लेकिन कितने नंबर्स आ रहे हैं हमको पता नहीं, हमको फाइंड करने हैं। दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है तो निकलने के बाद उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, वो अगर फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे। मतलब अभी दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, पहले कि जब हम उसको रेडिएशन को इंसिडेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलते हैं मेटल सरफेस से तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और सेकंड थिंग कि वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करें। तो उसके लिए एक साइंटिस्ट था लेनार्ड, उसने अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया था, उसको बोलते हैं लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट। पर ध्यान, लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट। अब लेनार्ड एक्सपेरिमेंट किस टाइप का था वो एक बार देख लेते हैं। एक थी मेटल शीट, ये समझो मेटल शीट है, ठीक है। इसके आसपास एक हमने ग्लास ट्यूब रख दी, ग्लास यहाँ सामने एक और सरफेस रखते हैं, इसको बोलते हैं कलेक्टर। जो लेफ्ट में है ये है मेटल सरफेस, मेटल सरफेस जिसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं। ये है कलेक्टर जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इन दोनों को हम बाहर से कनेक्ट कर लेते हैं।
ये है ए मीटर, यहाँ हमने लगाया है एक बैटरी यानी कि वोल्टेज। ठीक है, दूसरी बात, इसमें से इलेक्ट्रॉन कब बाहर निकलेंगे, जब इसके ऊपर रेडिएशन आ लेंगे, और रेडिएशन के लिए हम लोग यहाँ लगाते हैं एक विंडो, ग्लास विंडो बोलते हैं इसको हम। ये ग्लास विंडो, हम लोग यहाँ से रेडिएशन को अंदर इंसिडेंट करते हैं, हमने यहाँ से रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है। जैसे रेडिएशन इंसिडेंट होंगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आएंगे। अब इलेक्ट्रॉन बाहर आने के बाद वो सीधा जाएंगे कलेक्टर की तरफ, लेकिन कैसे जाएंगे कलेक्टर की तरफ, कि जो कलेक्टर का जो पोटेंशियल ही नहीं आ रहा, इसको हम रखते हैं इनिशियली पॉजिटिव और इसको रखते हैं नेगेटिव। तो जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो कलेक्टर पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब स्कैमेटिक डायग्राम ऑफ लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट इज शोन इन फिगर। इनिशियली कलेक्टर इज एट हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल देन मेटल सरफेस, मतलब ये जो मेटल सरफेस है वो उसका जो भी पोटेंशियल उसके कंपेयर में हायर पोटेंशियल होगा। व्हेन रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस वाया ग्लास विंडो, A glass window, then electrons are released and moving towards collector and produce इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट विच इज मेजर्ड बाय एमीटर। ठीक है, ये मेजर कर लेगा। अब मुझे बताओ, करंट मेजर करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं क्या? तो करंट क्या होता है, आई इज़ इक्वल टू, पता है, क्यू बाय डी। क्यू क्या होता है, एनी। एनी। तो एन को अगर सब्जेक्ट बनाओ तो मिलेगा आई टी बाय ई, जिसमें आई तो तुम्हें ए मीटर बता देगा कितना करंट है। टाइम तुम अपने रिकॉर्ड में लेंगे भी, जब से रेडिएशन डाले उसका टाइम डिवाइड बाय, तो तुम्हें क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तुम क्या बोलेंगे, फ्रॉम अबव इक्वेशन वी कैन इजीली फाइंड नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आई बेटा बात, क्या फाइंड कर सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्सपेरिमेंट शो दैट इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। समझ आए बेटा बात, अगर हम क्या बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। समझ में बेटा बात सबको, एवरीवन क्लियर? यस सर। यस सर। उसके बाद टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी कलेक्टर the polarity gets reversed। मतलब अब हम पोलारिटी को क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, मतलब इसको कर देंगे माइनस, इसको कर देंगे प्लस। देन इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम मेटल सरफेस फील्स रिपल्शन एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रिक करंट गेट्स डिक्रीज्ड। मतलब अगर इसको नेगेटिव रखा है, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इलेक्ट्रॉन सामने नेगेटिव की वजह से रिपेल करेंगे तो करंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज्ड होगी। इफ वी इंक्रीज द नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल और बढ़ाते हैं, देन एट पर्टिकुलर वैल्यू द करंट बिकम्स जीरो। भाई जब हम इसको नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं तो नेगेटिव के जैसे इलेक्ट्रॉन कम आते हैं, करंट डिक्रीज होता है, और नेगेटिव अगर बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम पे ऐसा होगा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे ही नहीं, करंट क्या हो जाएगा, जीरो। द पोटेंशियल एट विच करंट बिकम्स जीरो is known as stopping potential। मतलब जब करंट जीरो हो जाए उसको हम नाम क्या देते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब वहां पे करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकले तो सही, यहां पहुंचे नहीं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की जो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी है यहां आते आते जीरो हो गई। मतलब हम क्या बोलेंगे, फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन converts into potential energy। मतलब हम लिखेंगे k equals to u, और ये जो stopping potential है इसको हम v naught लिखते हैं, याद रखना v naught। तो तुम्हें पता होगा u की फॉर्म होती है qv, तो यहाँ पे Q जो है वो इलेक्ट्रॉन है, V की जगह V नॉट डाल देंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो EV नॉट से मिल जाएगी। मतलब हम लोग इस पोटेंशियल को नेगेटिव कर देंगे, तब तक नेगेटिव बढ़ाते जाएंगे जब तक करंट जीरो नहीं होता। जैसे करंट जीरो हो जाए मतलब उस वक्त वो काइनेटिक एनर्जी हमको मिल जाएगी। मतलब इस फॉर्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है।
क्लियर एवरीवन? दूसरी बात, यस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट that if we increase the frequency stopping potential increases as a result kinetic energy also increases. जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है और मतलब काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है. मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी. और हमने लेफ्ट में देखा था अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो तुम्हें इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी. मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी से बढ़ेंगे और काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी से बढ़ेगी. क्लियर?